यहाँ कोई आया था डैड? हाँ सुनील आया था। उसके साथ कौन था? उसकी मंगेतर किरण। किरण आई थी यहाँ? तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी लड़की है वो। She's a lovely girl। मेरी मानो तो तुम भी किरण जैसी लड़की ढूंढ लो, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। किरण जैसी तो कोई लड़की हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, इसीलिए उसे इतना अच्छा लड़का मिला है। तो दोस्तों ये है वो बंगलो जहां पर डर फिल्म की शूटिंग हुई है। यहां पर शाहरुख खान, उनके डैडी और सनी देओल आते हैं। ये जो आप जाली देख रहे हो, ये जो विंडो देख रहे हो, बहुत बड़ी विंडो, इसी रूम के अंदर, इसी घर के अंदर डर फिल्म की शूट हुआ है। दोस्तों मैं आपको डर फिल्म शूटिंग लोकेशन दिखाने जा रहा हूं, जो 1993 की फिल्म है। दोस्तों फिल्म को बनके करीब 28 से 29 साल बीत चुके हैं और 29 साल बाद हम वो घर में जा रहे हैं, वो बंगलो में जा रहे हैं जो शाहरुख खान सर का बंगलो है डर फिल्म के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हाय फ्रेंड, जिस बंगलो के सामने खड़ा हुआ हूँ मैं भी, उसी बंगलो के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा उस फिल्म के कुछ सीन, ये बंगलो में रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों ये बंगलो का नाम है पूना वाला बंगलो, जो अक्सा बीच के पास, जो दाना बीच है, दाना पानी बीच बोलते हैं मलाड वेस्ट में, उस बीच के सामने ये बंगलो है। तो दोस्तों इस बंगले के अंदर कुछ सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों ये जो बंगलो आप देख रहे हो, ये वही बंगलो है जो शाहरुख खान सर का बंगलो है डर फिल्म के अंदर। दोस्तों डर फिल्म में शाहरुख खान का यही घर दिखाया गया है। दोस्तों जब सनी देओल के साथ जूही चावला आती हैं, जिनका नाम किरण है, बहुत ही फेमस नाम है उनका किरण फिल्म के अंदर, शाहरुख खान उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों वो जब अपनी शादी का कार्ड लेके आती हैं और उनके डैडी से मिलती हैं, शाहरुख खान के जो डैडी दिखाए गए हैं फिल्म में, वो इसी बंगले के अंदर आती हैं। दोस्तों तो ये बंगलो मैं आज आपको 29 साल के बाद दिखा रहा हूं कि ये बंगलो अंदर से कैसा है। दोस्तों आइए दोस्तों हम जान लेते हैं, पहले बंगलो का नाम है पूना वाला बंगलो। दोस्तों पूना वाला बंगलो मुंबई के मलाड एरिया में दाना पानी बीच के सामने है, सी फेस बंगलो है। दोस्तों ये बंगलो बहुत ही फेमस बंगलो है बॉलीवुड का। यहां पर कोई एक फिल्म नहीं, न जाने बॉलीवुड की कितनी सारी फिल्मों के सीन रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों देखिए यहां पर अपने डैडी के साथ खड़े हैं शाहरुख खान शर्ट पहनकर, और बैकग्राउंड यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों वक्त बहुत बदल चुका है तो थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो सीढ़ी के स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि जो पीछे का डिजाइन है, डिजाइन को स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो। इसी जगह पर शाहरुख खान खड़े हैं, इस जगह पर। तो ये फिल्म डर फिल्म की शूटिंग इस बंगलो में हुई थी अब से 29 साल पहले। दोस्तों मैं तो वो टाइम पर पैदा भी नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों जूही चावला और सनी देओल जी इधर बैठे हैं और बैकग्राउंड में जो बाहर का पार्क है वो दिखता है। दोस्तों वो जो पार्क के एंट्री में, मतलब स्टार्टिंग में बाउंड्री की छोटी सी वॉल है, वो वॉल आज भी वैसे ही है और उस पर वही पत्थर लगा हुआ है जो फिल्म के टाइम से लगा हुआ था। बस फर्क इतना है, वो टाइम पर पीछे डायरेक्ट समंदर दिखता था और अभी समंदर नहीं दिखता है, झाड़ वगैरह लगा दिए हैं, बाहर पार्क बना दिया गया है। तो दोस्तों आप देखो ये बंगलो जहां पर जूही चावला बैठी हैं, सनी देओल बैठे हैं, ये पूना वाला बंगलो में बैठे हैं रियल में, जो मलाड में है। दोस्तों तो इसी फिल्म की शूटिंग डर फिल्म, जिसके अंदर शाहरुख खान सर की एक ऐसी एक्टिंग दिखाई गई है जिस फिल्म ने उनकी एक्टिंग की दुनिया में एक अलग ही नाम कर दिया है। दोस्तों तो यहां पर आती हैं जूही चावला और सनी देओल और दोनों अपनी शादी का कार्ड देने, और जब शाहरुख खान सर ऊपर से आके अपने डैडी से पूछते हैं, डैडी कौन आया था, डैडी के किरण आई थी डैडी, अच्छा किरण आई थी डैडी, चली गई किरण के, हाँ डैडी, बेटा मैं तो बोलता हूँ तुम भी शादी कर लो, किरण जैसी एक अच्छी लड़की से शादी कर लो। तो दोस्तों शाहरुख खान कहते हैं, डैडी किरण के जैसी तो कोई है ही नहीं है, वो उसके जैसी दुनिया में कोई लड़की नहीं है, क्योंकि दोस्तों यही हाल है जिससे मोहब्बत हो जाती है इंसान को, उसके जैसा कभी किसी को कोई नहीं लगता। ये बंगलो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्क है बंगलो का बाहर से, जो डर फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो दोस्तों इसी जगह पर बैठे हैं सनी देओल जूही चावला के साथ में। दोस्तों अभी बंगलो के अंदर थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है, ये चेंजेस इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि 29 साल में मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ पैदा होने के बाद।
तो समझो यार, कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बंगलो के ओनर बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो दोस्तों ये लोकेशन आपने 29 साल बाद देखी है डर फिल्म के बाद, जो आपने डर फिल्म में देखी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शूटिंग लोकेशन आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये बंगलो दाना पानी बीच के सामने है और बहुत ही बढ़िया बंगलो है। तो इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की एक्टिंग, सारी की सारी सुपर हिट चीज़ें हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि 29 साल बाद आपने ये घर देखा है, जो आप अब से पहले डर फिल्म में देख चुके होंगे, कि आपको ये शूटिंग लोकेशन पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये शूटिंग लोकेशन आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको कोई और ऐसी नई शूटिंग लोकेशन दिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर इस बंगलो के अंदर शूट किया था कुछ सीन का। ये बंगलो पूना वाला बंगलो है, इसी बंगलो की मैं काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। कुछ भी कर जाऊंगा।